हेलो दोस्तों, आप देखिए इंफोटेन स्टोरी और आपके साथ मैं हूं इरशाद। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं साउथ इंडिया की विलेन एक्टर देवेंद्र सिंह के बारे में। उनका वाइफ कौन है, घर कहाँ है, इनकम कितना होती है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना दोस्तों। चलिए शुरू करता आज की प्रोग्राम। हेलो यारो, देवेंद्र की रियल नेम है देवेंद्र सिंह गिल और उनकी निक नेम है देव देवा एंड एट्सेट्रा। और देवेंद्र सिंह गिल की बोर्न यानी कि जन्म हुआ है 12 अक्टूबर 1977 पर पुणे महाराष्ट्र इंडिया में। और देवेंद्र सिंह गिल की एज यानी कि उम्र हो चुकी है 2022 के हिसाब से 44 साल यानी 44 ईयर्स। हाइट है 5 फीट 11 इंच और वेट है 75 यानी 75 kg। उनका आई कलर है ब्राउन और हेयर कलर है ब्लैक। और देवेंद्र सिंह गिल धर्म से एक हिंदू है और नेशनलिटी से एक इंडियन है दोस्तों। अब चलिए यारो बात कर लेते हैं देवेंद्र सिंह गिल के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो उन्होंने पुणे की लोकल स्कूल से पढ़ाई स्टार्ट की, उसके बाद उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पता नहीं चल पाया है। अगर बात किया जाए देवेंद्र सिंह गिल की प्रोफेशन के बारे में तो एक एक्टर है और एक मॉडल भी है दोस्तों। अब चलिए यारो बात कर लेते हैं देवेंद्र सिंह गिल के करियर के बारे में। तो उन्होंने अपनी करियर स्टार्ट किया था एक्टिंग से और उसका पहला मूवी था हिंदी मूवी शहीद ए आजम 2002 में, जो सुपर डुपर हिट हुआ था। उसके बाद उन्होंने हिंदी को छोड़कर साउथ इंडिया की मूवी भी करने लगा। उसका पहला मूवी था साउथ इंडिया की तेलुगु मूवी 2008 में कृष्णा अर्जुन, जो सुपर डुपर हिट हुआ था। उनको मैन सक्सेस मिला है 2009 में तेलुगु मूवी मगधीरा फिल्म से। 2009 की मगधीरा फिल्म उनका लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है दोस्तों। और देवेंद्र सिंह गिल ने बहुत ही स्ट्रगल किया, बहुत ही कठिन परिश्रम करने के बाद बहुत ही अच्छा एक्टर बन पाया है दोस्तों। और वो ज़्यादातर मूवी में नेगेटिव रूप यानी कि विलेन की एक्टिंग करती है। बात किया जाए उनकी फिल्मों के तो हिंदी और साउथ इंडिया मिला के बहुत सारी मूवी में एक्टिंग कर चुका है। और उनका हर एक मूवी का नाम हम एक वीडियो में लेकर ख़त्म नहीं कर सकते। फिर भी उनका जो हिट मूवी है उनका नाम अगर करें तो उनमें से है शहीद ए आजम 2002 में, जो सुपर डुपर हिट हुआ था। उसके बाद बोल्ड 2005 में सुपर डुपर हिट हुआ था, मगधीरा 2009 में सुपर डुपर हिट हुआ था, सूरा 2010 में सुपर डुपर हिट हुआ था, नायक 2013 में सुपर डुपर हिट हुआ था, जीनियस 2018 में सुपर डुपर हिट हुआ था, खाकी 2020 में सुपर डुपर हिट हुआ है और वेकल साहब 2021 में सुपर डुपर हिट हुआ है। और इन सारी मूवियों को छोड़कर और भी कुछ मूवी है जिनका नाम हम एक वीडियो में लेकर ख़त्म नहीं कर सकते। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं देवेंद्र सिंह गिल की अवार्ड्स के बारे में। तो अच्छी एक्टिंग करने के लिए उन्होंने फिल्म अवार्ड पा चुके हैं और सिनेमा अवार्ड पा चुके हैं 2010 में सुपर एक्टिंग करने के लिए। और इन अवार्ड को छोड़कर और भी कुछ छोटा अवार्ड उनको दे चुकी है बेस्ट एक्टिंग करने के लिए। अब चलिए यारो मिलाती हूँ देवेंद्र सिंह गिल की फैमिली के साथ। तो उनका फादर और मदर का नाम नहीं पता चल पाया है, लेकिन आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकती है देवेंद्र सिंह गिल की मदर यानी मॉम को। और उनका एक भाई है जिसका नाम है तनी गिल। अगर बात की जाए उनकी वाइफ के बारे में तो उनका वाइफ का नाम है आरती देवेंद्र गिल। और उनका एक बेटा है जिसका नाम है कुसन गिल और एक बेटी भी है जिसका नाम है देवा गिल। अगर बात किया जाए देवेंद्र सिंह गिल के इनकम के बारे में तो हर मूवी करने के लिए 1 से लेकर 5 करोड़ चार्ज करते हैं। अगर बात किया जाए उनकी हाउस के बारे में तो मुंबई में उनका एक सुपर डुपर हाउस है जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ वो रहती है। और उनका हाउस किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं है दोस्तों। अगर बात किया जाए उनकी कार कलेक्शन के बारे में तो उसके पास है टोयोटा इनोवा मॉडल की एक कार। उनका फेवरेट एक्टर है सलमान खान, दीपिका पादुकोण। उनका फेवरेट स्पोर्ट्स है क्रिकेट, फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है धोनी एंड फेवरेट फूड है बिरयानी, फेवरेट डेस्टिनेशन है मुंबई एंड लंदन। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंफोटेन स्टोरी को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।